बाली क्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत कोविड हेल्थ सहायक बारवा निवासी जितेंद्र मेघवाल की मंगलवार दोपहर को बाइक सवार दो बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी, जबकि वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने जितेंद्र पर चाकू से 7 वार किए थे। इस मामले में मृतक के परिजन और ग्रामीण बाली हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठ गए, जिनका धरना बुधवार दूसरे दिन भी जारी रहा। परिजन बाली सादड़ी मार्ग पर सरकारी हॉस्पिटल के सामने टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। बुधवार को कोविड हेल्थ सहायक सहित कई ग्रामीण भी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। उन्होंने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा देने और रैकी में आरोपियों का साथ देने वाले अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने एवं शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। इसके अलावा परिजन आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद ही शव उठाने पर अड़े रहे। हालांकि इस मामले में एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि 8 टीमों का गठन किया गया है, जो नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी हैं, जबकि इसके अलावा इनमें से 2 टीमों को गुजरात भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक जितेंद्र और आरोपी के बीच 23 जून 2020 को भी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बड़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। इसको लेकर जितेंद्र मेघवाल ने बाली थाने में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था। जानकारी के अनुसार कई बार आरोपी ने मामले में राजीनामे की बात कही, लेकिन जितेंद्र मेघवाल व उसके परिजन इस राजीनामे के लिए माने नहीं। बताया जाता है कि इसी के चलते आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है। दरअसल 15 मार्च को बारवाहाल सूरत निवासी आरोपी सूरज सिंह अपने एक साथी के साथ बाली पहुंचा था। उसके पास 2 चाकू थे। उन्होंने पहले से ही रैकी की हुई थी कि जितेंद्र पाल बाली हॉस्पिटल से कितने बजे निकलता है। मंगलवार दोपहर को ड्यूटी पूरी कर जितेंद्र अपने दोस्त कोविड हेल्थ सहायक हरीश कुमार के साथ बाली से निकला। जितेंद्र पाल बाइक पर पीछे बैठा था। बाली से वे 2 किलोमीटर दूर ही गए थे कि पीछे से बाइक पर आए आरोपी सूरज और रमेश सिंह ने बाइक के पीछे बैठे जितेंद्र मेघवाल पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल होकर गिर गया। बदमाशों ने उसकी पीठ पर 3 और सीने पर चाकू से 4 वार किए थे, जिससे वह घायल हो गया और सुमेरपुर ले जाते समय उसकी मौत हो गई। बाली हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जितेंद्र मेघवाल ने परिजनों को बताया कि सूरज सिंह और रमेश सिंह ने उस पर हमला किया। सूरज सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में राजीनामा नहीं करने से वे नाराज चल रहे थे। पुलिस ने उसके बयान रिकॉर्ड किए और दोनों आरोपियों को नामजद कर उनकी तलाश शुरू कर दी। हालांकि इस मामले को बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत और मारवाड़ जंक्शन विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने बाली क्षेत्र के बारवा गांव निवासी जितेंद्र मेघवाल की हत्या का मामला विधानसभा में भी उठाया था। उन्होंने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।